अगर आपका भी इंटरेस्ट है ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ों में या फिर ग्रूमिंग वाली चीज़ों में, इन चीज़ों से रिलेटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी है या फिर आपका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, इनकी जानकारी भी आपके पास अवेलेबल है, तो आप इस तरह का चैनल किस तरीके से स्टार्ट करके आगे ले जा सकते हो, ब्यूटी और ग्रूमिंग वाले चैनल से रिलेटेड सारी चीज़ें किस तरीके से करनी होती है, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि ये जो चैनल्स हैं ब्यूटी वाले, जो भी चैनल्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स ही स्टार्ट कर सकती है, मेल और फीमेल दोनों ही इस तरह के चैनल्स स्टार्ट कर सकते हैं। फीमेल सिर्फ फीमेल वाली कैटेगरी की वीडियोज़ बनाएंगी, मेल जो होंगे वो मेल वाले कैटेगरी की वीडियोज़ बनाएंगे, ठीक है। दोनों ही लोग कर सकते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड सारी चीज़ें बताना, ग्रूमिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें बताना, जो लोग कपड़े पहनते हैं, ड्रेसेज जो उनके होते हैं, उससे भी रिलेटेड चाहो तो आप वीडियोज़ क्रिएट करके इसी चैनल पे अपलोड कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि ब्यूटी ग्रूमिंग से रिलेटेड इस जोन के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सब से रिलेटेड अगर आप चाहो तो वीडियोज़ बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो। वो चाहे स्किन केयर हो, हेयर स्टाइल हो, ब्राइडल मेकअप हो, और भी अदर टाइप के मेकअप ट्यूटोरियल्स हो, वो सब कुछ क्रिएट करके अपने एक इसी चैनल पे ही अपलोड कर सकते हो। तो सारी चीज़ें किस तरीके से करनी है चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि आप जो भी वीडियो बनाओगे वो दो फॉर्मेट में बना सकते हो। पहला फॉर्मेट होगा फेस कैम, यानी कि आप जो भी वीडियो बनाओगे उसमें अपना चेहरा दिखा करके ही सारी चीज़ें बताओगे, बनाओगे, जो भी चीज़ें करनी है वो करोगे। दूसरा फॉर्मेट हो गया कि वॉइस ओवर, यानी कि आप सब कुछ दिखा रहे हो और उसके ऊपर अपनी आवाज़ दे करके उस वीडियो को कंप्लीट कर रहे हो, यानी कि पहले आपने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया बिना कुछ बोले, हर एक चीज़ रिकॉर्ड कर लिया आपने। उसके बाद जब वीडियो को एडिट करोगे आप, तो वीडियो मेन वीडियो के साउंड को म्यूट करके उसके ऊपर आपने अपनी आवाज़ लगा दी, उसको वॉइस ओवर कर दिया और वो वीडियो कंप्लीट हो गई, उसको अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। ये दो चीज़ें हो गई। अब इस तरह के चैनल में आप ये नहीं कर सकते हो कि वीडियो शूट कर लिया आपने, उसके ऊपर बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया और चैनल पर अपलोड कर दिया, तो ये सही नहीं होगा। मैं आपको ऐसा सजेस्ट करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि ब्यूटी से रिलेटेड, ग्रूमिंग से रिलेटेड जो भी चैनल्स हैं, ब्यूटी टिप्स अगर आप दे रहे हो तो लोगों को सही चीज़ें, सही बातें समझ में आनी चाहिए। तो जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं होगी। या फिर आप मेकअप ट्यूटोरियल्स ये बना रहे हो और उसमें आपने सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया, तो लोगों को तो पता नहीं चल पाएगा ना कि आपने कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में यूज़ की, कब कैसे यूज करना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें कैसे करनी है लोगों को समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि या तो फेस कैम बनाओ या तो वॉइस ओवर बनाओ, दो ही टाइप्स के चैनल्स की कैटेगरीज हैं, इनमें से जो भी आपको सही लगे उसके ऊपर आप अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं इक्विपमेंट्स की, यानी कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपके पास एक स्मार्टफोन तो होना ही चाहिए। दूसरा, एक माइक अगर अवेलेबल रहे तो बेहतर है, क्योंकि माइक की वजह से साउंड क्वालिटी बेहतर होती है। हम वीडियो कितनी भी अच्छी बना लें, अगर उसकी साउंड क्वालिटी बेहतर ना हो तो फिर सब कुछ बेकार है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि एक माइक आप परचेज कर लेना, अगर पॉसिबल हो तो। अगर नहीं है अभी स्टार्टिंग में तो कोई बात नहीं है, आप अपने स्मार्टफोन के माइक का यूज कर सकते हो, फिर बाद में आप परचेज कर लेना, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो तीसरी चीज़ है वो है लाइट्स, यानी कि आप जो भी अपनी वीडियो बनाओगे, मेकअप ट्यूटोरियल्स हो या फिर स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें आप बता रहे हो, ग्रूमिंग से रिलेटेड चीज़ें बता रहे हो, जो भी बातें आप बता रहे हो, तो जो भी वीडियो अगर आप शूट करोगे तो उस वीडियो के अंदर रोशनी अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि आप स्किन दिखाओगे तो जब आप स्किन दिखा रहे हो, स्किन के ऊपर अच्छी रोशनी होगी नहीं, तो आप किसी भी तरीके का कोई भी मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो बनाओ तो वो अगर सही से नहीं आ रहा है वीडियो के अंदर, उस पर रोशनी अच्छी तरीके से नहीं है, तो फिर वो वीडियो बेकार हो जाएगी, मतलब मज़ा नहीं आएगा लोगों को, लोग बीच में ही वीडियो को कट करके निकल सकते हैं। तो इसलिए जब आप इस तरह के वीडियोज़ को शूट कर रहे हो, खास करके मेकअप ट्यूटोरियल्स वीडियोज अगर आप बनाओगे, तो उस समय तो अच्छी रोशनी का होना, अच्छी लाइट का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप इस तरह के वीडियोज बनाओ, लाइट्स का हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉपर वे में लाइट्स अवेलेबल हो। अब देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ब्यूटी से रिलेटेड, ग्रूमिंग से रिलेटेड चैनल स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है करो, लेकिन जो भी बातें, जो भी चीज़ें आप अपने वीडियोज में बताओगे, मान लीजिए कि कोई मेकअप से रिलेटेड ही चीज़ आप बता रहे हो, कोई बात आप बता रहे हो, या फिर स्किन केयर से रिलेटेड कोई टिप्स आप दे रहे हो, जो भी बातें आप बताना वो रियल और जेन्युइन होनी चाहिए, क्योंकि इससे किसी के स्किन के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है अगर गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाती है तो, ठीक है। तो इसलिए इस बात का खास आपको ध्यान रखना होगा कि हम जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो रियल हो, जेन्युइन हो, और इसकी वजह से किसी का नुकसान ना हो, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अब ये हो सकता है कि आपके दिमाग में ये ख्याल आए कि हमारे पास तो मेकअप किट्स अवेलेबल नहीं है, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम वीडियोज बनाएं कैसे, क्या करें। तो करना कुछ भी नहीं है, जो भी इन्फॉर्मेशंस आपके पास अवेलेबल हैं उनकी छोटी छोटी वीडियोज बनाओ, यानी कि बेसिक
चीज़ें जो होती है ना, जो ब्यूटी मेकअप से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको बेहतर पता होगा। तो इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनके आप बेसिक वीडियोज़ बनाओ, छोटी छोटी वीडियोज़ बनाओ, स्टार्टिंग में अपलोड करो, और जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो होगा उसके अनुसार आप सारी चीज़ें करोगे। मतलब कि जब हमारा चैनल ग्रो हो गया, मान लीजिए कि आपने बेसिक वीडियोज़ बनाने स्टार्ट की, धीरे धीरे वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, अच्छे तरीके सारी चीज़ें आप बता रहे हो, चैनल ग्रो हो रहा है, तो फिर आप मेकअप से रिलेटेड चीज़ें खरीद करके उसके ऊपर भी वीडियोज़ बना सकते हो। या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ मेकअप किट्स वगैरह चीज़ें अवेलेबल हैं तो उसी को स्टार्ट करो आप स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे जिस तरीके से आपका चैनल ग्रो होगा उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आप करते जाना, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आप जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हो, जिस भी ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड या फिर स्किन केयर से रिलेटेड, हेयर स्टाइल, जो भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर भी आप वीडियोज़ क्रिएट कर रहे हो, तो कभी आपको अगर ऐसा लगे कि आपके पास इन्फॉर्मेशन कम है तो इन्फॉर्मेशन गेन करना है, मतलब कि यूट्यूब अवेलेबल है, गूगल अवेलेबल है, वहाँ पे जा करके उस टॉपिक से रिलेटेड सर्च करो, वीडियोज़ देखो आप, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं और आपको क्या लगता है कि उसमें क्या कमी है, आप उसमें क्या और ऐड कर सकते हो, वो सब कुछ सोचो आप, समझो, उसको कॉपी पेन लेकर के लिख लो और उसके बाद अपने वीडियो को क्रिएट करो। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो तो आपका वीडियो उन वीडियो से बेहतर होगा, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह के वीडियोज़ क्रिएट कर रहे हो तो जो बातें अभी मैंने बताई इन चीज़ों को ट्राई जरूर कीजिएगा। अब देखिए, इस तरीके के जो भी चैनल्स होंगे उसके ऊपर तो आप चाहो तो मल्टीपल टाइप्स के कंटेंट अवेलेबल करा सकते हो, मतलब कि बहुत तरह के वीडियोज़ अपलोड कर सकते हो, वो ग्रूमिंग वाले ट्यूटोरियल्स हो, मेकअप ट्यूटोरियल्स हो, या फिर घरेलू नुस्खे हो, बहुत सारे घरेलू नुस्खे वाले भी वीडियोज़ होती हैं, मतलब कि बहुत सारे ऐसी औषधियाँ होती है, पेड़ पौधे छोटे छोटे होते हैं जिनका यूज करके आप अपने स्किन को बहुत ही बेहतर कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें पता नहीं होती। तो अगर आपके पास इस तरह का नॉलेज है तो उनको भी आप अपनी वीडियोज़ में क्रिएट करके शेयर कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए, यहाँ पे एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना, जिस भी टॉपिक के ऊपर, मान लीजिए कोई ब्राइडल मेकअप ही कर रहे हो आप, कोई स्किन केयर से रिलेटेड कोई बात बता रहे हो, हेयर स्टाइल बता रहे हो, या फिर ड्रेसिंग से रिलेटेड कोई चीज़ बता रहे हो आप, तो हर एक चीज़ एकदम से सिंपल तरीके से साधारण भाषा में बताने की कोशिश करना आप, ताकि वो वीडियो कोई भी पर्सन देख रहा हो, यानी कि जिसको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है लेकिन अगर आपकी वीडियो देखता है तो उसको सब कुछ समझ में आ जाए एक बार में ही। तो इस तरीके से वीडियो क्रिएट करना है, और अगर ऐसा कुछ आप करते हो तो आप यूनिक होगे, आपकी वीडियोज़ को लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं कि जो इन चीज़ों को इस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि लोगों के माइंड के ऊपर से निकल जाता है, समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या किस तरीके से मेकअप वाली चीज़ें बताएं। तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आप, मान लीजिए कि कोई ब्राइडल मेकअप से रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियो बना रहे हो आप, तो जब वो वीडियो क्रिएट कर रहे हो तो आपको वन बाय वन करके बताना है कि कब कौन सी चीज़ आपने यूज की, कितनी मात्रा में यूज की, कैसे उसको मतलब लगाना है, कौन से ब्रश से यूज करना है, वो सब कुछ आप वन बाय वन करके बताना। अगर आप इस फील्ड में हो तो आपको मुझसे बेहतर पता होगा, मैं तो बस वीडियोज के थ्रू सारी चीज़ें बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपको बेहतर पता होगा, ठीक है। और देखिए, अगर आप इस तरह के चैनल शुरू करते हो ब्यूटी से रिलेटेड, जब भी आप चैनल स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे स्पॉन्सरशिप आपको मिलते हैं, जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो होता है, आपके पास व्यूज आते हैं, तो आपको बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के स्पॉन्सरशिप ऑटोमेटिक मिलने लगते हैं। तो जब इस तरह के स्पॉन्सरशिप आपको मिलेंगे तो वो प्रोडक्ट के साथ साथ पैसे भी आपको देंगे, तो इससे भी अर्निंग होगी, और प्लस में आपको अलग से प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, इन्हीं चीज़ों का यूज करके आप वीडियो क्रिएट कर लोगे। तो चैनल पे हमें अच्छे तरीके से वर्क करना है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मान लीजिए कि आप पार्लर चलाते हो, वो मेंस पार्लर हो या फिर वुमेंस पार्लर हो, कोई भी आप चलाते हो, ठीक है, हो सकता है कि आप ब्राइडल मेकअप भी करते होगे, ठीक है, चाहे दूल्हा का या फिर दुल्हन का किसी का भी मेकअप करते होगे आप। तो करना क्या है कि जब ऐसा मोमेंट आपके सामने हो तो आप अपने फ़ोन के साथ साथ एक ट्राइपॉड भी जरूर रखिएगा, ट्राइपॉड से हमारी वीडियो स्टेबल होती है, हिलती डुलती नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मान लीजिए कि ऐसा कोई मोमेंट आया, आपको किसी दूल्हे या दुल्हन का पूरा मेकअप करना है, मेकओवर पूरा करना है आपको, तो आप उससे एक बार इजाज़त ले लो कि हाँ मैं ये वीडियो शूट करके अपने चैनल पर अपलोड करूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लोग मना नहीं करेंगे आपको। तो करना क्या है कि जो भी सारी चीज़ें हैं आप कैमरा लगा करके सब कुछ सेट करके वो पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड जब हो जाएगी तो उस वीडियो को एडिट करके उस पर वॉइस ओवर दे करके अपने चैनल पर अपलोड कर दो, क्योंकि ऐसा मौका जब भी आए तो ऐसी चीज़ें आप कर लेना, ये भी आपके लिए एक कॉन्टेंट है, एक वीडियो है, वैसे भी आपको तो वो चीज़ें करनी ही करनी है, तो आपने रिकॉर्ड कर लिया तो आपके पास एक पूरा वीडियो बन गया और उसको आप अपने चैनल पर एक बेहतरीन थंबनेल के साथ अपलोड कर दोगे, इसका भी बेनिफिट आपको धीरे धीरे आगे जा करके मिलेगा। तो अब तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा,
और यहाँ पे मैं बस एक ही बात आपको फिर से कहना चाहूँगा कि ब्यूटी से रिलेटेड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो नेचुरल हो या फिर किसी प्रोडक्ट का यूज करके हो, वो सब कुछ से रिलेटेड आप वीडियोस बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो। और मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट आपके पास नहीं भी है तो आप चाहो तो अमेजन का एफिलिएट अकाउंट बना लो, ठीक है। कैसे बनाना होता है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना आप, और उससे रिलेटेड आप वीडियोज़ बना लो। और अमेजोन पे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं तो आप उनको भी दिखा करके बता सकते हो कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से यूज करने पे इससे ये फ़ायदा होता है, आप चाहो तो खरीद सकते हो, ठीक है। और उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे देना, ये भी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर से मैं बताना चाहूँगा कि आप सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि जब भी आप अपनी वीडियो को शूट करोगे अच्छी रोशनी में शूट करोगे, ट्राइपॉड पे लगा करके शूट करोगे ताकि वीडियो हिले डुले नहीं और अच्छे से सारी चीज़ें फ्रेम में हमारे आ जाए। अब वीडियो हमारी रिकॉर्ड हो गई, अब आती है वीडियो को एडिट करने की बारी, ठीक है। तो वीडियो जब आप एडिट करोगे तो आप चाहो तो VN एडिटर का यूज कर सकते हो या फिर यूकट या फिर इनशॉट, ये तीनों एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। वो इसलिए कि अगर आप इन तीनों एप्लीकेशन का यूज करते हो तो आपको किसी भी तरीके का वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा, आप आसानी से एडिट कर सकते हो। और अगर आपको एडिटिंग नहीं आती है तो इन तीनों एप्लीकेशंस के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन वीडियोस को देख लेना आप और अपनी वीडियो को अच्छे तरीके से एडिट करना। अब आपने वीडियो एडिट कर लिया, उसके बाद हमें बनाना होगा अपने वीडियो के लिए एक अच्छा सा थंबनेल। तो थंबनेल के लिए करना क्या है आपको कि जब भी आप वीडियो शूट कर रहे हो, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसी दौरान दो चार पिक्चर्स अच्छे अच्छे क्लिक कर लेने हैं और उसी को हमें अपने थंबनेल पे लगाना है। और आप अपने स्मार्टफोन से एकदम से सिंपल तरीके से आसानी से थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो जब वीडियो शूट हो जाएगी, एडिट हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद हम अपने चैनल पे वीडियो को अपलोड करेंगे। और जब वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका अच्छे तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, यानी कि SEO करेंगे। तो ये चीज़ें कैसे करनी होती है उसके ऊपर भी वीडियोज मैंने बनाई हुई है, चैनल पे मेरे चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा, या फिर लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगा, वो ये है कि आप जब भी ब्यूटी से रिलेटेड जो भी वीडियोज बनाओगे तो उसका एक शॉर्ट वीडियो भी बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर देना। मतलब कि जो भी लॉन्ग वीडियो आप बना रहे हो उसी में से कट करके 10 सेकंड या 20 सेकंड का एक शॉर्ट वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट्स भी बहुत ज़्यादा चलते हैं और शॉर्ट्स के थ्रू आपको सब्सक्राइबर्स भी मिलने के चांसेस बनेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को भी आप ट्राई करना, ठीक है। तो अभी तक इस वीडियो मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं, जो भी चीज़ें बताई हैं, मैंने हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन हो सकता है कि कुछ बातें कुछ चीज़ें रह गई होंगी। तो अगर कोई भी सवाल आपके मन में रह गया होगा बाकी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पे अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं इसी तरीके किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।